क्या सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट सेम चीज़ें होती है? हम में से कई लोग सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को सेम चीज़ें समझते हैं, बट एक्चुअली में एक छोटा सा डिफरेंस होता है दोनों में। जब आप कुछ इनकम कमाते हैं, उसमें से आप कुछ खर्च कर देते हैं, अब खर्च करने के बाद आपके पास जो भी पैसा बचता है वो होती है आपकी सेविंग्स। दैट्स प्रिटी ऑब्वियस, राइट? अब ये जो सेविंग्स होती है, जो पैसा आपने सेव किया है या जो आपने बचत करी है, उसको आप मोस्टली एक सेविंग्स अकाउंट में या फिर एक बचत खाते में रखते हैं, या फिर कुछ पैसा आप हार्ड कैश के फॉर्म में भी अपने घर में रख लेते हैं। जब आप बचत खाते या फिर सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं तो आपको एक छोटा सा इंटरेस्ट भी मिल रहा होता है। नॉर्मली ये कुछ 2-4% के बीच में होता है, और आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप इस पैसे को कभी भी 24/7 ATM में जाकर निकाल सकते हैं। अब जो भी आप पैसा बचाते हैं या जो भी आप बचत करते हैं, वो सारा की सारा पैसा अगर आप सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं तो उसके दो नुकसान हैं। पहला ये कि आपको सेविंग्स अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है वो बहुत ही कम होता है। अगर आपको इमीडिएटली या नियर फ्यूचर में पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है तो सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। दूसरा नुकसान ये है कि सेविंग्स अकाउंट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, तो आपके हाथ हमेशा खुले हुए होते हैं। आपको दिखता रहता है कि बैंक में अच्छा खासा बैलेंस है, आप उसको कई बार अननेसेसरी चीज़ों पर भी खर्च कर देते हैं। तो सेविंग्स अकाउंट में उतना ही पैसा रखना चाहिए जितना आपको अपने डेली खर्चा निकालने के लिए काम आएगा, प्लस थोड़ा पैसा इमरजेंसी नीड्स के लिए। उसके ऊपर जो भी बैलेंस है आपके पास, उसको आपको कहीं और डालना चाहिए जहां आपको ज़्यादा रिटर्न या फिर ज़्यादा इंटरेस्ट मिले और आपका पैसा रेडिली अवेलेबल नहीं हो आपके पास खर्च करने के लिए। और इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स। आप आज अगर अपने हाथों से पैसा छोड़कर कहीं और डाल देते हैं इस उम्मीद में कि आपको फ्यूचर में ज़्यादा रिटर्न या ज़्यादा इनकम मिलेगी, उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास हज़ारों ऑप्शंस होते हैं, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, स्टॉक्स, हज़ारों तरह के म्यूचुअल फंड्स, PPF एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मुद्दे की बात यह है कि पैसा सिर्फ बचाना या सेव करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसे सेव करने के बाद इन्वेस्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इट जस्ट दी हाफ जॉब डन। आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस तो सबको पता होता है। बट ट्रस्ट मी, हम में से कई लोग, स्पेशली जो यंगस्टर्स होते हैं, वो ये डिफरेंस इतना क्लियरली नहीं समझते हैं। जब यंगस्टर्स अर्न करना स्टार्ट करते हैं, कई बार उनके दिमाग में ये रहता है कि बैंक बैलेंस बढ़ाना ही सब कुछ है, अगर बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है मतलब सब कुछ सही चल रहा है। बट माई फ्रेंड्स, अगर आपका बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। जो भी आपका बड़ा हुआ बैलेंस है उसको आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सो आई होप आपको ये बहुत छोटा सा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। दिस वॉज योर होस्ट अनमोल गुप्ता फॉर द शो मनी की बात। डू सब्सक्राइब टू स्टे अपडेटेड विद द अपकमिंग एपिसोड्स। थैंक यू।